So here we are with the all-new Citroën Basalt, the SUV coupe, the first of its own kind. Definitely, it's a segment builder. Tata Curvv is the one, but technically, the Basalt has launched earlier than the Curvv. So definitely, it's the first of its kind, the mass market SUV coupe. SUV coupe has been present in the market since a long back time, but they were in the expensive, not in the mass market car. So this is the first mass market SUV coupe. So we are going to look at these features and all the stuff. So first, start with the exterior. Firstly, we get a huge Citroën logo over here, and the familiar Citroën design and all that stuff. We can look like the C5 Aircross and all the other Citroën cars. If you look here, we get the all LED DRLs, daytime running indicator. The turning indicator seems to be halogen, lekin agar hum niche aaye to definitely there is a fog light which is LED and the projector. Aur agar aap niche dekhe to wahan hume ek फॉग लाइट मिलती है जो कि हाइलोजन है. फ्रंट वी गेट द ह्यूज बम्पर एंड डेफिनेटली एयर वेंट्स काफ़ी दिए हुए हैं यहाँ पे. तो ये होगी इसकी फ्रंट. हियर इज़ द टोइंग हुक ऑफ दिस व्हीकल एंड सेम इज़ द केस हियर. सो दैट्स फ्रंट से काफ़ी बोल्ड लगती है और काफ़ी बेटर प्रपोर्शन लगती है एज एस यू वी कूपे बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है. और ओवरऑल दिस कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7.99 लाख. सो दैट्स रियली अमेजिंग क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको सेडान स्टार्ट नहीं होती. एंड दिस इज द प्रॉपर एसयूवी कूपे. इसकी लेंथ मोर देन 4.3 मीटर है, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन क्रेटा. सो वी आर गोइंग टू लुक एट द साइड ऑफ दिस व्हीकल. वेल, अगर फ्रंट की बात करें तो वी गेट 205/60R16 टायर्स एंड डायमंड कट एलॉय व्हील्स जो कि काफ़ी सही लगती है. फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक मिलती हैं तो काफ़ी सही टायर लुक्स ओवर साइज नहीं लगती है, काफ़ी प्रोपोर्शनल लगती है कार के साइज के हिसाब से. तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग हियर. अगर हम यहाँ बात करें तो ओवर वी एम में टर्न इंडिकेटर ओवर वी एम में ही आपको देखने को मिलती है. स्लीक लाइन हियर. ए पिलर इज लुकिंग ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है. रूफ पे भी आपको ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है जो कि एक स्पॉटियर फील आपको देता है. इफ़ यू लुक एट द फ्रंट इज अ विंडशील्ड. और यहाँ अगर हम बात करें तो दिस इज समथिंग जो काफ़ी लोगों को पसंद आएगी, काफ़ी लोगों को नहीं आएगी. द डोर हैंडल्स लाइक आपको BMW के स्पोर्ट्स एडिशन में भी ऐसे मिलती है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है इस टाइप्स की. बट Citroën में अभी सारी गाड़ियों में यही है एक्सेप्ट द C5 Aircross जो कि नॉट सेलिंग रियली वेल. सो इफ़ यू लुक एट द साइड में बात करें तो वी गेट द ह्यूज मिरर हियर एंड देर इज़ अ साइड क्लाइडिंग ओवर हियर. तो उससे भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी एक स्पोर्टी लुक आती है. अगर रियर की बात करें तो रियर विंडो इज ह्यूज, तो आपको अंदर बैठने के बाद काफ़ी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला. जैसा एयरी फीलिंग इनसाइड द कार. और आपको बेज इंटीरियर्स दिए गए हैं तो दैट्स रियली ग्रेट. और यहाँ पे देखें तो आपको काफ़ी एक ह्यूज स्लोपिंग, दैट इज द मेन थिंग जिसके बारे में Basalt इज ऑल अबाउट, द स्लोपिंग रूफ लाइन विच इज कॉल्ड द कूप. एंड दैट्स वाई हियर वी आर दिस इज लुकिंग लाइक ए ग्रेट कार. एंड द टेल लाइट्स ऑफ दिस एसयूवी इज सॉर्ट ऑफ 3D, सो यू कैन लिटरली पुट योर हैंड इनसाइड. एंड इससे आप काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी यूनिक सा है. हियर इज द फ्यूल लिड ऑफ दिस व्हीकल एंड वी गेट द सेम, बट इन रियर वी डोंट गेट द डिस्क ब्रेक्स, देयर इज अ ड्रम ब्रेक ओनली. इन फ्रंट वी गेट द डिस्क ब्रेक्स एज एन ऑप्शनल. सो लेट्स मूव टू द बूट स्पेस. हाउ इज द बूट स्पेस, क्या है बूट स्पेस, लेट्स कंटिन्यू फॉर दिस. इफ यू टॉक अबाउट द बूट स्पेस, तो बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको. लिटरली 470 लीटर, यू गेट 470 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो कि काफ़ी ज़्यादा है. और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलता है जो कि एक एलॉय नहीं है. सो प्राइस कटिंग हैव बीन डेफिनेटली डन हियर. तो दिस अ ग्रेट, आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इस कार में देखने को मिलता है. तो लेट्स कंटिन्यू, अब हम इंटीरियर को कवर करते हैं. सो दिस इज द बेस्ट थिंग हियर, प्रॉपर थर्ड जो कि आजकल काफ़ी मिसिंग है गाड़ियों में. सो लेट्स गो टू द रियर. रियर की बात करें अगर तो हियर इज़ द विंडो एंड यू गेट सॉफ्ट टच मटेरियल हियर ऑन दी, यू गेट द पावर विंडो एंड ऑल दैट स्टफ जो कि नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जस्टिफाइंग है. सो लेट्स मूव टू द इंटीरियर. सो हियर वी आर इनसाइड दिस लास्ट रो ऑफ द Citroën Basalt. अगर Citroën Basalt में बैठने के बाद, आई एम 6'1" एंड Citroën Basalt जो रियर सीट है काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रही है. ऐसे बैठने के बाद काफ़ी हेडरूम इज इनफ फॉर मी. हेडरूम में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. नी रूम, अंडर थाई सपोर्ट इज लिटरली गुड. और यहाँ पे आपको फुट रूम भी काफ़ी अच्छा, लेग रूम भी देखने को मिलता है. और अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि हियर वी गॉट द बटरफ्लाई सीट. तो दोनों साइड से ये सीट जो हेडरेस्ट है वो ऐसे कर्व्ड है.
Here we get the armrest and ISOFIX child seats mounts are here. And the most important thing here is we get AC vents over there. रियर सीट में आपको एसी वेंट्स भी देखने को मिलती है, दोनों साइड में सेम चीज है, हैंडल एंड हुक. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी गेट दिस शॉट ऑफ बेज अपहोल्स्ट्री हियर, सो दैट इज लुकिंग ग्रेट. वेल, अगर इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो सिट्रन बसाल्ट में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल थ्री सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, जो कि 80 bhp पावर एंड 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है. एज वेल एज यू गेट अ टर्बो पेट्रोल ऑप्शन जिसमें आपको 109 bhp एंड 205 nm टॉर्क देखने को मिलता है. उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही है, लिटरली आपके हिसाब से आप जिस पे जाना चाहें आप जा सकते हैं. और आपको ट्रांसमिशन में भी दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक. राइट नाउ आई मीन अ मैनुअल, बट ऑटोमेटिक में एक चीज़ आपको देखने को मिलती है वो इसमें नहीं है. दिस गेट आप थाई सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी यूनिक फीचर है जो बसाल्ट में थ्रेट है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं. राइट नाउ अभी मैं सिट्रन बसाल्ट की ड्राइविंग सीट में हूँ और पीछे एज यू कैन सी आई वाज रियली कंफर्टेबल 6 feet होने के बावजूद भी. और अगर इस सीट की भी बात की जाए तो आई एम लिटरली गुड, मैं कहूँगा कि स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छी है बसाल्ट. अगर आप सब 4 meter SUVs लेने जा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ गया है कि यू कैन गेट लाइक अ सेगमेंट ऊपर आप SUV ले सकते हो, वो भी जस्ट सेम प्राइस में. वो प्राइस आपको जस्टिफाइंग होगी. इस प्राइस सेगमेंट में आपको सिर्फ मिलेगा अब सब 4 meter व्हीकल्स, लेकिन इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 4.3.5 meter है, जो कि इसके स्पेस में डेफिनेटली झलकता है. तो सिट्रन बसाल्ट के इंटीरियर में आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ पे ऑल LED इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है एज यू कैन सी हियर, तो ये भी डिजिटल है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टच स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव लग रही है. और अगर इसमें देखें आप व्हीकल वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, नेविगेशन. अगर फ्रंट सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट देखने को मिलता है. दिस इज द 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि काफ़ी सही है. आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, अगर लेदर वगैरह का रैप किया रहता तो वो और भी बेटर हो सकता था. ही इज द हैंड ब्रेक ऑफ दिस व्हीकल. अगर यहाँ बात करें तो सेंटर लुक्स काफ़ी अच्छे हैं इस कार की. यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री लगती है ऐसी है, लेकिन वो प्लास्टिक फिनिश में ही है जो कि काफ़ी सही लग रही है. यहाँ पे बात करें तो ऑटोमेटिक ACs आपको मिल जाते हैं. दिस अ हज़ार लट बटन, हियर इज़ अ 12-watt सॉकेट देखने को मिलता है. यहाँ पे एक USB अडेप्टर आपको मिलता है, USB सॉकेट मिलता है. दिस इज दी चार्जिंग पैड, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको देखने को मिलती है. यहाँ पे एक स्पेस है कुछ चीज़ों रखने के लिए. दिस इज़ द कप होल्डर, बट आई थिंक दिस इज़ अ लिटिल बिट टिल्ट, तो अब आपकी ड्रिंक्स में भी ये हो सकती है. हियर इज द स्पेस. तो स्पेस के मामले में तो काफ़ी प्रैक्टिकल कार है. अगर बसाल्ट की बात की जाए तो हियर इज द एयर VM, हियर वी गेट द सनशेड, ऑल द स्टेप आप एडजस्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और स्टेयरिंग भी काफ़ी स्लीक. यहाँ पे AC वेंट्स जो है वो हॉरिजेंटली आपको देखने को मिलती हैं. अगर साइड की बात करें तो ये वर्टिकली, ये भी काफ़ी 3D में डिज़ाइन है. हियर आप यू गेट सम स्पेस, आपको स्पेस देखने को मिलती है. तो ओवरऑल सिट्रन बसाल्ट के फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी अच्छी हैं और सही है. तो दैट्स इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर सिट्रन बसाल्ट. एंड हियर वी गेट द ऑटोमेटिक ACs ऑप्शन जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. ऑटोमेटिक ACs है, यहाँ पे हज़ार लाइट का बटन है. मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका बजट 8 से 10 लाख 12 लाख के अप्रॉक्स है, अगर आप किसी कार को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली सिट्रन बसाल्ट को ज़रूर देखिए. हाँ, ये एक नया ब्रांड तो है लेकिन ऑलमोस्ट इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट करते. ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा, मुझे लगता है 2 साल कंप्लीट कर लिए इस ब्रांड ने. और इसके इंजन्स काफ़ी रिलायबल हैं, काफ़ी सही हैं, तो आप डेफिनेटली इस पर कंसीडर कर सकते हैं. एटलीस्ट आपको एक बार आके देखना चाहिए, क्योंकि इस बजट में आपको इस लेंथ की और इस स्पेस की गाड़ी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है. सो ये थे फर्स्ट इंप्रेशन सिट्रन बसाल्ट के. फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छी लगी है हमें सिट्रन बसाल्ट, और डेफिनेटली आपको देखना चाहिए. और इसके इंजन्स भी काफ़ी स्मूथ हैं, राइडिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छी है. तो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.